में पूरा सेंट्रल विस्टा में। तो भाई ये है राष्ट्रपति भवन, और ये रास्ता जा रहा यहाँ आ गए इंडिया गेट, और ये इसके आसपास का एरिया। तो भाई ये मैंने नोटिस करी और अभी देखा, काफ़ी बढ़िया है। भाई यहाँ है पार्किंग, चलो चलते हैं। उधर पर्ची ले रहता हूँ पहले मैं भैया के पास। तो मैंने ले लिया पर्ची और भैया ने एक अच्छी डिटेल दी, आपको बताता हूँ क्या है। तो गाइस मेरे को ना एक दो चीज़ें अच्छी पता चली यहाँ पे। एक तो बाइक की पार्किंग है 10 रुपये घंटा, तो वो तो हर जगह नॉर्मली होती है, और गाड़ी की पार्किंग है 25 रुपये घंटा 4-व्हीलर के। और अगर भैया बोल रहे हैं कि अगर आप उसमें आ रहे हैं ना फेस्टिवल में आ रहे, सैटरडे संडे आ रहे हो, तो मैं ताना, मेरे को पर्सनली भैया ने साफ बोल दिया, मेरे को बुरा लगा, मैं हर्ट हो गया। मैं कहा ऐसा क्यों, कह रहे यहाँ जगह ही नहीं होती। मैं कहा सॉरी, मैं कहा चलो चलते हैं आगे से। अभी मैं निकल गया हूँ आगे दिखाने के लिए आपको सेंटर विस्टा वाला नया प्रोजेक्ट। जो भाई ये जो मौसम हो रहा ना आज की डेट में, ये मौसम है असली घूमने वाला फैमिली टाइम के साथ। अपना फैमिली को टाइम दो इस टाइम पे, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, आराम से घूमो। मेरी जैकेट भी जबर से डाल रखी है, जरूरत नहीं पड़ रही जैकेट की, ऐसे वाली आज गर्मी सा गर्म सा माहौल था पूरे दिन में। तो अभी मैं आ गया हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे की वीडियो। भाई यहाँ है पीछे असली चीज़, चलो चलते हैं उस पर। तो भाई सब यहाँ से जा रहे थे, मैं भी यहीं से जा रहा हूँ, और अभी अंदर एंट्री लेंगे भाई। मगर एक चीज़ बताऊँ, देखो क्या लुक आ रहा है इसका भाई, बचपन की यादें, इंडिया गेट आए और ये ना दिखे। ओ भाई मैं बहुत लड़ाई करता था घर वालों को, दिला दो, मगर मेरे घर वाले ऐसे थे दिलाते ही नहीं थे। अभी ले लेता हूँ, हिसाब बराबर करता हूँ, जितना तुमने नहीं दिलाना मैं खुद लूँगा। रुको, वो डंडी भी लूँगा वो, और वो तो सर पे भी लगाने वाली है, बट करूँगा क्या, यहीं लगाऊंगा फिर पैक के चला जाऊँगा, पैसा वेस्ट नहीं करना। तो लागे चलते हैं यार, रात को आने का तो अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। वाओ लाइटें कितनी अच्छी लग रही है, पता नहीं मेरे को बैठे बैठे क्या आया। मैं चलो चलते हैं इंडिया गेट, कुछ तो होगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने के लायक। कर्तव्य पथ पे पहुंच के थोड़ा सा कर्तव्य वाला अपना काम करते हैं, वॉक थोड़ा सा करना तो बनता है भाई। मैं 2016 में आया था शायद, मुझे याद आ रहा है 2016 के बाद अब आया हूँ, और अभी आज है मंडे। एक्चुअली मंडे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना आज गर्म दिन था, मैंने आपको दोपहर के मिनी ब्लॉग में बताया होगा कि 20-25 का टेम्परेचर हो रहा है, और जब वो 30 हो जाता है ना तो दिक्कत होती है, गर्मी लगती है ज़्यादा। तो आज थोड़ा मौसम ठीक था, तो मैं मौसम को लुफ्त उठाने आया हूँ, आप लोग भी अपने फैमिली के साथ मौसम का लुफ्त उठाने आ सकते हैं इंडिया गेट पे, और काफ़ी बढ़िया है भाई सेंट्रल विस्टा पे। वो फर्स्ट टाइम मैं विज़िट कर रहा हूँ, तो ये वेट कर रहे थे मैं कब आऊँ, कब मैं देखूँ सब कुछ ओके है कि नहीं, ऐसा मजाक कर रहा था। अभी भाई मेरा मेन पॉइंट पता किस लिए आने का था, आपको याद है मैंने अभी वीडियोज़ बनाई थी थोड़े टाइम पहले ओबराय होटल की। हाँ ओबराय होटल से मेरे को ये व्यू दिख रहा था, पीछे देख रहे हो आप इसका, तो इस व्यू को कवर करने के लिए मैंने कहा आज यहाँ पे जाऊँगा, वीडियो कवर करूँगा। वो पीछे है राष्ट्रपति भवन, और इधर पीछे है इंडिया गेट, यहाँ चल के देखेंगे, पहले उस तरफ चलते हैं। तो एक बार वॉक उधर करके आता हूँ, चलो चलते हैं भाई। चल चल के बहुत पतला हो जाऊँगा आज, सामने है राष्ट्रपति भवन। मेरे को जयपुर याद आ गया, मैं जयपुर में ऐसे घूमता था। बस भाई यहाँ से आगे क्रॉस ही कर सकते हैं हम लोग, ऐसा इधर लिखा है डू नॉट क्रॉस, तो क्यों क्रॉस करना भाई, है ना। तो चलते हैं वापस इंडिया गेट की तरफ। आज मैं चल लिया कर्तव्य पथ पर, तो चलते हैं। आज चांद छुप गया बादल के पीछे, मैं ये बोल रहा था कि मैंने वहाँ से होके वापस आ गया, वापिस उधर जा रहा हूँ अब, क्योंकि ना भाई वहाँ डू नॉट क्रॉस लिखा हुआ था और मेरे को क्रॉस नहीं करना था, मेरे को डर लग गया, थक थक हो जाता था। वहाँ जाके आराम से घासों में बैठ के सांस लूँगा, सांस अटक गया भाई, चल चल के कर्तव्य हो गया मेरा बहुत आज, अच्छी बात है। मगर यार सफाई वफाई अच्छी हो रही, दिखाता हूँ आपको
आज मंडे करके इतना खा लिया पता है, इतना बहुत भीड़ होती है और मैं चल चल के मेरे उतने बोल गए भाई कहते रेस्ट कर रहे, मैं सोच रहा हूँ इंडिया के पास जाके बैठूँ थोड़ी सी भीड़ अच्छी बनेगी वहाँ। भैया कितने चार्जेज है? 50 रुपये। कितने देर लेके जाना? अच्छा पोल से वापस लेंगे। ओके ओके। ये दुकानें ना हो ना तो बहुत बोरिंग हो गए सब कुछ। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं भैया रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ एक्चुअली मैं पैर डेढ़ लाख। हाँ हाँ कोई नहीं थैंक यू भैया, अकेले क्या फोटो खींचूंगा। आगे भाई फाइनली इंडिया गेट पे। भाई हमर हार और ना इधर है पीछे लेक, तो चल के देखते हैं क्या है इस लेक में। खास कोई गाड़ी उड़ाने दे यार। भाई ये मूवी वाला पानी है, इसे बच्चों ने बहुत डरता था मैं। हाँ भाई नहीं बैठ रही, नहीं बैठ रहा मैं, नहीं बैठ रहा। वाओ भाई कितना मजा आ रहा है यहाँ पे आवाज सुनने में। चलो चलते हैं। एक्चुअली पता क्या एक और नई चीज होगी भाई, उधर ना वो क्रॉसिंग के लिए बना रखा है, तो चलो वहीं से क्रॉस करेंगे फिर आज। तो भाई यहाँ से जाएंगे क्रॉस करके। भाई आज ना बहुत गलत हो गया मेरे साथ, मैं उसको यहीं से देख पाऊंगा क्योंकि ना आज ये बंद हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 9:20। 9 बजे बंद कर रहे थे मतलब इसका है। यार क्या फ़ायदा हुआ, सब कुछ तो वही है। कितने का? 100 का। और ये जो पान ये ऊपर से 50। मैं बोर हो गया आप रिकॉर्ड करके, तो ज़्यादा कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करने आऊँगा बट कंटेंट ज़्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया। मैं लेट क्यों आता हूँ? मैं हर जगह लेट जाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, यहाँ से जाना था। वॉकिंग अलोंग कैनल्स नहर के साथ पैदल पर, सही बात है। और ये है वो नहर जो दिन में ऐसी लगती है भाई। चलो कोई बात नहीं चलते हैं। यार रास्ता बंद कर दिया यार उन्होंने, पार्किंग उधर है, मेरे को निकलना चाहिए अब घर। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एज यूजुअल हमेशा की तरह जो बोलता हूँ वही बोल के एंड में मैं वीडियो करूँगा ख़त्म। और एक चीज़, एक मिनट रुको, एक चीज़ दिख गई, स्वच्छ ATM। वो भाई ये क्या है स्वच्छ ATM? अच्छा एंटर योर मोबाइल नंबर, पुट योर ट्रैश इन द स्लॉट और आपको पैसे मिलेंगे। वाओ, तो 1 रुपये के इस बोतल के कैन के 2 रुपये और 3 रुपये इस कांच वाली बोतल के, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगा ATM कैश निकालने का। यही मौसम है भाई अपने घर वालों के साथ घूमने का, फैमिली टाइम एंजॉय करने का, क्योंकि बिल्कुल भी सर्दी लग रही है अभी इस टाइम। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, आप देख रहे हैं। बट यार एक चीज़ का दिक्कत है, मैंने उधर सामने नहीं जा पाया यहाँ। चलो कोई नहीं, यहाँ भी जाएंगे किसी और दिन आएंगे।